तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। तो दोस्तों देखिए, आप जो वीडियो के अंदर फ़ोन देख पा रहे हैं ये एप्पल कंपनी के फ़ोन है और इसका मॉडल है iPhone 6s। ठीक है दोस्तों, ये iPhone 6s है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि कभी भी आपके पास ऐसा iPhone 6s मोबाइल है और उसका जो ये डिस्प्ले फोल्डर होता है ये ख़राब हो जाता है और आपको उसका फोल्डर चेंज करना पड़ जाए, यानी कि पुराना फोल्डर निकाल करके नया फोल्डर लगाना पड़ जाए, तो आप किस तरीके से पुराना फोल्डर निकाल करके नया फोल्डर लगा सकते हैं, उस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना। और यदि आप मोबाइल मैकेनिक है मोबाइल की शॉप है तो भाई आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अभी दोस्तों देखिए, मैं आप सभी के लिए ऐसे ऐसे नई नई वीडियो लाता रहता हूँ, नए नए कंटेंट बनाता रहता हूँ। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत करो। यदि आप वीडियो देखते हैं, आपको इस चैनल पर बराबर कंटेंट ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को खोल लेते हैं। तो फ़ोन खोलने से पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, जब ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर कुछ ना कुछ चीज़ मिस रह जाती है या फिर वो आपकी समझ में नहीं आती। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में भी कोई और वीडियो देखना ना पड़े, आप इस वीडियो को देख करके ही फोल्डर चेंज करना आसानी से सीख जाएं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर सिम स्लॉट है, सिम ट्रे लगा रहता है, सबसे पहले हम इसका सिम निकाल लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर सिम निकाल दिया। अभी आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर और यहाँ पर दो स्क्रू लगे मिल जाएंगे, हालांकि इस फ़ोन के अंदर एक ही स्क्रू लगा है, एक नहीं लगा है, तो आपको ये स्क्रू खोल लेना है। ठीक है, ये स्क्रू खोलेंगे, आप चाइनीज़ टूल से इन्हें खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना ये खोलेंगे भी नहीं और आपके स्क्रू भी ख़राब हो जाएंगे। आईफोन के यानी पेचों को खोलने के लिए जो हमारे स्क्रू ड्राइवर आते हैं वो अलग ही होते हैं, तो आपके पास यदि हैं ठीक है, वरना आप मार्केट से आईफोन के स्क्रू खोलने वाले यानी पेच का जो टूल होते हैं ये ड्राइवर आप अलग से लें। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो आप आईफोन के ही ले लें। देखिए आईफोन में ज़्यादातर ये दो स्क्रू ड्राइवर वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये आईफोन का जो स्क्रू लगा हुआ है ये इसे खोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, यदि हम इसे चाइना फ़ोन वाले स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो जल्दी से नहीं खुल पाता, क्योंकि वो इसमें सही नहीं लगता है, वो उसके जो अंदर के जो नक्का वगैरह बने रहते हैं उन्हें और घिस देता है और नहीं खुलता है, तो आपका स्क्रू भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप आईफोन के स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, देखिए हमने स्क्रू खोल दिया और एक ही स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ था। अभी क्या करेंगे इसे खोलने के लिए, देखिए जब आप फोल्डर निकालें तो आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आप फोल्डर यहाँ से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर दो लॉक लगे होते हैं, यहाँ से आप फोल्डर नहीं निकाल पाओगे, नुकसान कर लोगे। ठीक है, तो आप आईफोन का इसका जब भी फोल्डर निकालें, आप ये स्क्रू खोलने के बाद यहीं से फोल्डर निकालने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास ओपनर होगा या फिर आप नाखून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आप पहले यहाँ से फोल्डर को जहाँ पर हमारा चार्जिंग जैक लगा होता है, यहाँ से फोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएंगे धीरे धीरे से, बहुत ही सावधानी से, तब आप ऊपर से निकाल पाएंगे फोल्डर को। ठीक है, और ये देख लेना कि आपका फोल्डर चिपका हुआ तो नहीं है, यदि ये चिपका हुआ हो फोल्डर तो आप सेपरेटर मशीन पर पहले से ज़रूर रख लेना। ठीक है, इससे कि थोड़ा थोड़ा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसके यहाँ पर लॉक भी होते हैं साइडों में भी, हम इसी तरीके से चारों तरफ से बहुत ही सावधानी से इसे हटाएंगे। ठीक है, और जब हमारा यहाँ तक का फोल्डर हट जाएगा तो हमें इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकाना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नीचे की तरफ ना खिसकाएं वरना इसके पत्ते वगैरह कट जाएंगे, बहुत थोड़ा सा खिसकाना जिससे कि यहाँ पर जो लॉक होते हैं वो निकल जाएं। ये इस तरीके से आप थोड़ा सा खिसकाएंगे तो यहाँ पर इसके लॉक निकल जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं लॉक निकल चुके हैं और हमारा फोल्डर देखिए बाहर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसके पत्ते वगैरह कनेक्ट हैं इन्हें हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, यानी कि हटा लेंगे। ठीक है, तीन, तो आप तीनों को हटा देंगे, हम देखिए तीनों पत्ते हटा दिए हैं और हमारा फोल्डर निकल गया है। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जो भी हम इसके लिए नया फोल्डर लेकर के आए हैं यहाँ से हमें ये स्क्रू खोलना है और यहाँ पर हमारा इसका स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं ये हमें यहाँ से निकालने हैं और नए फोल्डर के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, ये निकाल करके नए फोल्डर के ऊपर लगा देने हैं ऐसे ही, वरना उसके अंदर स्पीकर नहीं होगा, आवाज़ वगैरह नहीं आएंगी, सेंसर भी यहीं पर होता है, तो हमें यहाँ से खोलना है और इसका एक पत्ता लगा मिलेगा
आपको स्पीकर सहित उस पत्ते को हटा लेना है और नए फोल्डर के ऊपर लगा देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पुराना फोल्डर है, मैं नया फोल्डर लगाऊंगा, आपको उस पर लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए फ़ोन को हम साइड में रख देते हैं, अभी हम पहले फोल्डर में इसमें से इसे निकालते हैं और दूसरे फोल्डर में लगाते हैं, ठीक है। बहुत सावधानी से आपको ये निकालने हैं और सावधानी से ये आपको इसे लगाना है, ठीक है। देखिए हमारा इसी के अंदर एयर स्पीकर भी लगा हुआ है और यहीं पर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, तो हम जो इसके पत्ते हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए हमने स्पीकर का पूरा सेट निकाल दिया है, क्योंकि हमें इसे नए फोल्डर के अंदर लगाना है और हमारा फोल्डर एकदम खाली हो चुका है, ये ख़राब है, हम इसे साइड में रख देंगे। अभी चलिए हम वो फोल्डर ले लेते हैं जो कि हमें इसके अंदर लगाना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों देखिए ये है वो नया फोल्डर जो हमें इसके ऊपर लगाना है, और मैंने इसमें यहाँ पर स्पीकर भी लगा दिया। देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रख करके स्क्रू वगैरह लगा दिए हैं, तो इसका स्पीकर भी मैंने इस नए फोल्डर के अंदर लगा दिया, ठीक है। दोस्तों देखिए मैं यदि इसे आपको रख के भी दिखाऊँ तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसे खोल करके और बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। भी एक चीज़ और देखना, देखिए उसके ऊपर पत्ती लगी हुई नहीं थी, मेरे पास ये पत्ती जो फोल्डर के ऊपर लगती ये थी, तो मैंने इसमें ये पत्ती भी लगा दी, ठीक है। अभी चलिए इस फोल्डर को हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी देख लेना। अभी ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ से देखना, हमें तीनों जो पत्ते हैं ये कनेक्ट करने हैं, ठीक है, ये तीनों पत्ते यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। तो देखिए जिसकी डायरेक्शन ये है ये यहाँ पर कनेक्ट होगा, और जो अंदर वाला है यहाँ पर होगा, और जो बाहर वाला ये जो पत्ता है ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। चलिए कनेक्ट करते हैं फटाफट से, इन्हें पत्ता कनेक्ट कर लेंगे, पत्ता समझ लेना, जो अंदर की तरफ पत्ता होगा छोटा पत्ता होगा वो अंदर कनेक्ट होगा, जो बड़ा पत्ता होगा थोड़ा सा वो बाहर की साइड में कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों आप देख लेना, हमने तीनों पत्ते यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं अच्छे से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर वाले लॉक थे ये लॉक लगाएंगे, देखिए ये लॉक यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। लगाने के बाद अभी हम थोड़ा थोड़ा से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे फोल्डर को, जिससे कि अच्छे से हमारी फिटिंग बैठ जाए इसकी, ठीक है। ये फोल्डर तो लग गया है, और जो हमारा स्क्रू था अभी हम इसके अंदर वो स्क्रू लगा देंगे जो हमने खोला था यहाँ से, ठीक है। ये देखिए स्क्रू हमने लगा दिया है, अभी चलिए हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है, तो हमारा जो फोल्डर है वो चेंज होकर के तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप आईफोन 6s मोबाइल का फोल्डर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।